हेलो गाइस वेलकम टू अन अकाडमी मैं हूँ अंकेत अग्रवाल और हम करे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस आई एम सॉरी फॉर द वॉइस मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है बुखार भी है सो दैट इज़ वाई माय वॉइस इज़ बिट शेकी बट आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो फर्स्ट हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम है जी का पार्ट बनती है यह है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट एरिया की डेवलपमेंट के लिए हमने जो इनिशिएटिव लगाया है उसका नाम है डिवाइन पी डिवाइन इसके बारे में पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट वैसे भी फोकस में रहता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हम नॉर्थ ईस्टर्न नेशंस के ऊपर भी फोकस करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को भी हम अंदर ही अंदर डेवलप करना चाहते हैं ताकि के लिए उनके साथ जो हमारा एक कनेक्ट है वो बना रह सके उनको ये ना लगे कि वो रेस्ट ऑफ इंडिया से अलूफ है नेक्स्ट इसके बाद हमारा है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ एन एन एम तो इसको हम ऑलरेडी एक बार पहले भी कर चुके हैं ये अगेन सेम चीज़ है जो हमारी न्यूज़ में चल रही है जी एस टू का पार्ट है और इसका जो टॉपिक है सब टॉपिक है वो हेल्थ है गवर्नमेंट स्कीम्स तो है ही है बट मोर फोकस इज ऑन हेल्थ तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है तो इसको भी हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे कि नेशनल न्यूट्रिशन बंक जो है क्यों न्यूज में है क्या डेट्स थी इसकी और क्या कुछ इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव थे सो विदाउट फर्दर डू लेट स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस की यानी कि प्राइम मिनिस्टर डिवाइन योजना की तो इट इज़ द डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इसको शॉर्ट में पीएम डिवाइन बोला गया है और यूनियन बजट 2022-23 के अंदर इसको रखा गया था जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना है उसके अंदर भी ये इंक्लूडेड है जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर पैसा लगाते हैं साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हंड्रेड परसेंट फंडिंग अपनी तरफ से देती है मतलब कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी क्योंकि हंड्रेड पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है इसके अंदर जो टोटल आउटले है वो लगभग छियासठ करोड़ रुपये का है जिसको चार सालों के अंदर जो है लगाया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के लिए और लाइबिलिटी ज़्यादा चीज़ के अंदर कोई है नहीं है तो सारा का सारा एसेट क्रिएशन की बात है और जो इसके अंदर हमने प्रोग्राम रखा है वो रखा है ई यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पहले आप इंजीनियरिंग करें उस एरिया की आर करके उसके बाद प्रोक्योरमेंट करें सामान की और फिर कंस्ट्रक्ट करें तो अगेन ये जो है सेंट्रल और स्टेट की जो अलग अलग पहले स्कीम्स चल रही हैं उनके अलावा है तो ऐसा नहीं कि अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो फिर उसे किसी और स्कीम में छोड़ना पड़ेगा तो ये एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है और एक्स्ट्रा इसकी फंडिंग है लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ यूथ के लिए वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर होती हैं इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डी ओ एन ई आर जो फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के थ्रू ये जो है काम करती है फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनस अगेन इसके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम सोशल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं ताकि जो वुमेन हैं या जो आउट क्लास्ट लोग हैं उनकी भी सोशल डेवलपमेंट हो सके नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ ये सितंबर को घोषित किया गया था तो पूरा सितंबर हमारा जो था फर्स्ट से के थर्टी वो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ था हिंदी में इसका नाम राष्ट्रीय पोषण माह रखा गया था जो कि प्राइम मिनिस्टर का जो सुपोषित भारत है उसका एक एक्सटेंशन है तो पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन सुपोषित मतलब अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड हो इसका ये जो है मेन आप कह सकते हो थीम था एंड फिफ्टीन करोड़ से ज़्यादा आप कह सकते हो इसके अंदर पैसा जो है वो लगाया गया था इसके अंदर हम एनीमिक बच्चों को भी देखते हैं या फिर जो कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं जिनको खाना तो मिल रहा है लेकिन फिर भी पोषण वाला खाना नहीं मिल रहा जिसके कारण स्टंटिंग ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा ग्रोथ स्टंटिंग जैसी समस्याएं जो हैं वो हमें बच्चों में देखने को मिलती हैं ये फिफ्थ पोशन माह था इससे पहले हम चार पोषण माह ऑलरेडी कर चुके हैं और अगर आप देखें तो आयुष्मान भारत के अंदर भी हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है सपोर्ट करते हैं आयुष्मान भारत के बारे में हमने पढ़ा था ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री की थी जिसके अंदर हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे आम जनता को तो एक तरफ से हम उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी तरफ से हम उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अगर वो एनिमिक हैं स्टन्टेड हैं तो वो सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं वो हुई ना तो निप इन द बर्ड थ्योरी प बड थ्योरी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्ले करने को देखने को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से सो दिस वॉज़ अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अगर हम इसके फोर पॉइंट एजेंडा की बात करते हैं तो फोर पॉइंट एजेंडा के अंदर इसके चार जो पिलर्स हैं एक तो है इंटर सेक्टोरल कवरेज फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी यानी कि लोगों के पास वो बेनिफिट्स पहुँचे उसके बाद यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ़ वुमेन एंड चिल्ड्रेन तो जो भी वुमेन है या चिल्ड्रेन है उनका एक ऑनलाइन डाटा हो जो कि रेगुलर अपडेट हो ताकि हम इम्प्रूवमेंट्स को जो है ट्रैक कर पाएँ इसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज को 1000 डेज़ के लिए हम इंटेंसिफाई करें एंड लास्टली इसको एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश किया जाए ताकि हर एक स्कूल में हर एक जगह पे गाँव के अंदर आंगनबाड़ीज़ के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसिज़ के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मेजोरिटी लोगों तक पहुँच सकें और मेजोरिटी लोग जो हैं इसका लाभ भी उठा सकें सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे अगर आप यू पी एस की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यू पी एस सी का अन का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज के लिए जिसके अंदर आपको प्लस आइकॉनिक और लाइट तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है आइकॉनिक के अंदर आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिल जाती है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए मोटिवेशन है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अन अकेडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा हेल्प करता रहेगा और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियाँ जो है वो रह गई हैं जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिविजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो है वो भी मिल जाएंगे जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है आप यूज़ करिए मेरा कोड ए एन आई सेवन ये मेरा, मेरा रेफरल कोड है इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं टेन परसेंट से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में चाहे आप एक साल का लें दो साल का लें एक छः महीने का लें या फिर आप प्लस लॉनिकले ले, लाइट लें सभी में आपके बेनिफिट जो है वो मिलेगा एंड उसके बाद आपको करना क्या है इसका स्क्रीन शॉट मुझे टेलीग्राम पर भेजना है वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल एड यू टू माई ग्रुप एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों और कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू तो एन अकेडमी या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू तो रिसोर्सेज या अनैडमी से रिलेटेड या कोई आपको नोट्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा सो दिस वॉज इट फॉर टुडे इज वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा So thanks for watching, have a nice day.